मसीह की जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम सैमुएल की बाइबल स्टोरी देखें जो कि एक बांझ और खुदा परस्त औरत की हन्ना की दुआ के जवाब में सैमुएल पैदा हुआ। एक बांझ और खुदा परस्त औरत हन्ना की दुआ के जवाब में सैमुएल पैदा हुआ। जब इसका दूध रहाया गया तो इस वादा के मुताबिक जो इसने खुदा से किया था, हन्ना सैमुएल को सिला एक खुदावंत के घर लाई और एली काहिन के सुपुर्द कर दिया। इस तरह वो बचपन से खुदावंत के घर में खिदमत करने लगा और खुदा एली काहिन से बात करने के बजाय छोटे सैमुएल से हम कलाम हुआ। वो एली और उसके बेटों के साथ क्या सलूक करने वाला है। सैमुएल बड़ा होकर बनी इसराइल का काजी और काहिन बना। इसने रोमा में सुकूनत इख्तियार की जहां वो लोगों को इंसाफ किया करता था। इसी मुकाम पर इसने एक मजबा बनाया और वो साल बे साल बैत अल अलबजाल और मुस्फनात का एक दौरे भी किया करता था। उम्र के आखिर पर इसने अपने बेटों यवील और बिया को बेरसेगा में काजी मुकर किया। अहम लोग के इताज और अपने लिए बादशाह की दरखास्त के जवाब में सैमुएल ने साउल को बादशाह होने के लिए मसा किया। साउल ने 40 बरस हुकूमत की मगर अफसोस उसके वो खुदावन खुदा का वफादार ना रहा, इसलिए खुदा ने भी इसे रद्द कर दिया और इसकी जगह दाऊद को बादशाह बनाया। सैमुएल ने खुदा की खिदमत को तरतीब देने और अमली जामा पहनाने के अलावा नज़ीर को महसूस करने में जो अहम किरदार अदा किया, इसे इस तरह बयान किया गया है कि दाऊद और सैमुएल ने खैमा इज्तिमा के लिए दौरबान मुकर किए। अल्लाह तवारीख में लिखा है कि यहूदी रवायत के मुताबिक बाइबल मुकद्दस की वो किताबें जो इसके नाम से कहलाती हैं, रूत की किताब को इसी ने लिखा था। जब सैमुएल ने वफात पाई तो इस वफात अनहूर साउल ही बादशाह था। सैमुएल की मौत पर रैमा के लोगों ने इसे इसके अपने घर में दफन किया। कहा जाता है कि बकायदा नबियों का सिलसिला सैमुएल से शुरू हुआ और सैमुएल उम्र में भी छोटा था जब खुदा ने इसे मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकया से आगाह किया और खुदावंद इसके साथ था। सैमुएल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया और सब बनी इसराइल ने दान से बेरसमे तक जान लिया कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर हुआ है। पहला सैमुएल में इस ने खुदावन से दरख्वास्त की वो अपनी नबूवत की तस्दीक के लिए मीना बरसाना चाहता है और बेशक वो गहियों का टटने का मौसम था, लेकिन खुदा ने मीना बरसाया और सब लोग खुदावन और सैमुएल से नहाय डर गए। बनी इसराइल में कहानत लावी के खानदान और हारून के घराने से चली, लेकिन सैमुएल तो हारून की नस्ल से ना था। इतनी अजीब बात है कि वो जब छोटा ही था तो अहद के संदूक के पास सोया करता था। हालांकि सिर्फ सरदार काहिन ही को ये इजाजत थी कि वहां तक जाए, लेकिन इसके बावजूद खुदा इससे इस जगह हम कलाम हुआ। सैमुएल काजियों के सिलसिला का आखिरी काजी था। वो रामा में लोगों का इंसाफ किया करता था। वो वाहिद काजी था जिसने अच्छे फैसलों और जरूरी इस्लाहात के बाइस कौम को सीधी राह पर डाला। वो अपनी उम्र भर इख्तियार काजी रहा। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मौत के बाद इसके बेटे काजी बने, लेकिन अफसोस कि वो इसकी राह पर ना चले बल्कि वो नाजायज नफा के लालच में रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। माँ बाद लोगों के हर जोर असरार पर काजू का ये सिलसिला हासियत बादशाहियत में तब्दील हो गया और यूं साल बनी इसराइल के पहले बादशाह की हैसियत से तख्त पर बैठा। अगरचा खुदावन खुदा ही अपनी चुनिंदा कौम का बादशाह था, ताहम इर्द गिर्द की कौमों की देखा देखी बनी इसराइल ने भी चाहा कि इनका कोई बादशाह। बेशक सैमुएल को ये बात नागवारा गुजारी थी, लेकिन तो भी इसने ये मामला खुदावन के जोर में रखा और इसने उसे जवाब दिया कि जो कुछ ये लोग उससे कहते हैं तू इसको मान, क्योंकि इन्होंने तेरी मानी, क्योंकि इन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हिकारत की है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। यूं बिन्यामीन के कबीला में से साउल को चुना गया वो बादशाह हो। सैमुएल ने इसे मसा करके बनी इसराइल पर बादशाह मुकर किया, मगर सद अफसोस के साउल की नफरमानी के बाइस इसे हुकूमत से महजूल कर दिया गया और दाऊद इसकी जगह मसा किया गया कि इसराइल का बादशाह बने। यूं बने इसराइल के पहले दो बादशाहों को मसा और महसूस करने का एजाज भी सैमुएल को हासिल है। खुदा के लोगों में सामने नज़ीरों में सैमुएल सबसे ज्यादा अहदे रखने वाला और खुदा का वफादार नज़ीर था। वो अपनी पदाई से पहले ही नज़ीर के तौर पर चुना गया। जब इसका दूध चुराया गया तो इसकी माँ से किला में खुदावन के जोर लाई ताकि वो मौजूद काहिन एली के सुपुर्द करे। बस एक खुदा नज़ीर के तौर पर वो काजी नबी और काहिन की हैसियत से खुदावंद की खिदमत करता रहा। सैमुएल जरूरत और हिम्मत के अलावा मर्द ईमान और दुआ गोई शख्स भी था। फिलिस्तीनियों के बनी इसराइल पर चराही के वक्त लोगों ने सैमुएल से कहा कि खुदावंद खुदा के हजूर फरियाद करना छोड़
और जब बनी इसराइल मुफाजा में फ्राहिम हुए तो इसने दुआ करने का वादा कर लिया। सैमुएल के जमाने में इसराइली कौम ने पहली बार रोजा रखा और इकरार किया कि हमने गुनाह किया है। यूं खुदावन खुदा ने सैमुएल की दुआ और सवायात को सुना, जवाब में बनी इसराइल को फिरिश्तों पर फतह बख्शी। सैमुएल की इनफिर्दियत बनी इसराइल का आखिरी काजी, बादशाहगर, बाकायदा पहला नबी, लंबी उम्र पाने वाला नजीर। बाइबल में खुदा के नजीर समसोन, सैमुएल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों और चीज़ों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।